अस्सलाम वालेकुम, क्या हालचाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आपका भाई कितनी 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 ज्यादा मेहनत कर रहा है। मैं कल का व्लॉग एडिट कर रहा हूं, मतलब 1 बजे मैं शुरू हुआ था तो अभी 5 बज गए हैं, तो अब जाके मेरा वो व्लॉग एडिट हुआ है। तो देखो आपका भाई कितनी मेहनत कर रहा हो। जब आप चैनल को सब्सक्राइब ही ना करते और वीडियो को लाइक नहीं करते और शेयर तक नहीं करते तो बहुत दुख होता है। सीरियसली बहुत 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 ज़्यादा दुख होता है। तो काइंडली आप भाई को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा। इंशाल्लाह मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर आऊँगा। और मुझे कमेंट में बता दिया करें अगर आपने मुझसे कोई डेट करवाना हो या मुझे कोई कुछ भी कोई भी किस्म किसी भी किस्म का व्लॉग बनवाना हो मुझसे, मतलब किसी भी कॉन्टैक्ट पर व्लॉग आपने बनवाना हो तो मुझे कमेंट में बता दें या मुझे इंस्टा वगैरह पे डीएम कर दें, ठीक है? तो इंशाल्लाह आपका भाई पूरी कोशिश करेगा कि आपके लिए इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया करे। फजर की नमाज का टाइम हो गया तो मैं सोने लगा था। मैंने कहा नहीं, अब नमाज का टाइम हो गया तो नमाज पहले पढ़ लें, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A few moments later. जी, तो नमाज पढ़ने के बाद मैं सो गया था, अभी उठा हूँ और बाहर बारबेक्यू कर रहे हैं और मैं अंदर सो रहा हूँ। ये क्या बात है, इतनी ज्यादती मेरे साथ। अस्सलामु अलैकुम। बारबेक्यू मनाए जा रहे हैं जी। अंकल स्पेशल आपके लिए? जी। वैसे मैंने सुना है कि आप जाने लगे हैं वापस। हम जा रहे हैं, ये ट्रेन पे 3:30 बजे ट्रेन जानी है लाहौर में। हम अब जा रहे हैं, स्टेशन पे जाएंगे, ट्रेन पे बैठ के भी लाहौर 2 घंटे में उधर पहुँचे। तो रह लें अभी थोड़े दिन? नहीं, इधर की तैयारी बड़ी इतनी जल्दी? अभी तो आपको यूट्यूब फैमिली ने डेट्स भी देने। हाँ देंगे तो फिर आ जाएंगे, कोई बात नहीं यार, लाहौर का 2 घंटे का रास्ता है। बस ठीक है, अगर आपने अंकल से कोई डेट करवाना हो तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। अंकल क्या फैसलाबाद आ जाएंगे या मैं लाहौर चला जाऊंगा, ठीक है ना? और हमारे बाबा को शुरू बचपन से ही काफी शौक है कुकिंग करने, क्यों बाबा? हाँ बिल्कुल। क्या सीखा है कहीं से? कुदरती आ गए। हाँ वैसे सच में इन्होंने यूट्यूब से दे दे के ना काफी बहुत ज्यादा डिशे बनाते रहते। वैसे मेन हमारे बाबा का काम गोल्ड का है, पार्ट टाइम जॉब ये करते। घर पे करते हैं लेकिन बाहर नहीं करते। स्पेशल जब गेस्ट आए हों और स्पेशल गेस्ट आए हों तो उनके लिए खुद बनाते हैं सब कुछ। वैसे अच्छा लगा टेस्ट? बहुत मजा। चले चले अब हम भी खा कर देखते हैं कैसा है टेस्ट इसका। देसी मुर्गा खा रहा हूं आज पकाया। हां ये कहना क्या अंकल? अच्छा जी, अरे देसी मुर्गा चलेगा। अच्छा आज मेरे लिए देसी मुर्गा रखा हुआ है, तुमने कहते वो खाए हैं आप, फिश अभी नहीं आपने खाने। चलें दे मामा खाना फिर मुझे। बोल दे आ जाना। हां मैं चलता हूं आपके साथ। आपको अभी नाश्ता रख दिया है मामा ने लाकर, नान है साथ, सालन है। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, नाश्ता करने के बाद अब मैं हो गया फ्री और अब हम जा रहे हैं करने। ऐसे अंकल जी रह लेना थी यार। ओके यार भाई। ओके लाड़ पे जा रहे हैं, अंकल से मिलते हैं। ओके भैया। ओके लाफी। तो फाइनली मैं अपने खालू को रेलवे स्टेशन छोड़कर वापस आ गया हूँ। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि अपने हेयर ड्रेसर के पास जाऊँ क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा रफ हो गए हैं। तो उसके पास जाने से पहले नमाज पढ़ने, नमाज का टाइम हो गया तो फिर उसके पास चलते हैं। तो अब हम अपने हेयर ड्रेसर के पास आ गए। ये भाई शमून है, माशाल्लाह बहुत ही बहुत ज़्यादा अच्छी कटिंग करते हैं, टाइम बहुत लगाते हैं। मैक्सिमम एक बंदे कटिंग में ना रात को इतना गुस्सा, मुझे इतना गुस्सा, मैं 5 बजे तक एडिट करता था लेकिन कहीं वॉइस ठीक नहीं थी,
सिर्फ वो जो हमने डांस वगैरह किया उसका मैंने क्लिप लगा दिया। अच्छा। और के एफ सी का लगा दिया, बाकी जो भी हमने किया वहां बातें जो भी इंटरव्यू जो फर्स्ट वीडियो बनाई थी फर्स्ट लेके लास्ट तक जहाँ तक माइक यूज हुआ है ना वो सारा फजूल। पहले मैं अपना हेड ऐसा शुरू करवाता हूँ, बहुत ज्यादा बार डफ हुए हैं तो आ जाए भाई जी। तो आज फाइनली भाई ने पहली बार एक घंटे में मेरी शेव भी की और कटिंग भी की है। क्या बात, भाई ने चैलेंज दे दिया था इसलिए करनी पड़ी। तो वैसे डेढ़ दो घंटे भाई को एक बात का पता भी है कि मैं काम करता हूँ ना तो स्लो करता हूँ तो करता अच्छा हूँ, इसका इसको पता है। नहीं तो आप अच्छा नहीं किया मतलब जल्दी करके भाई, अच्छा किया। आप कह रहे हो ना कि इतना टाइम लग जाता है, इतना टाइम इसलिए लगता है कि बाल समझ के काटे जाए। क्या बोला तूने, नहीं पहले क्या बोला, बाल समझ के काटे जाए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? है ना, तो बहुत अच्छे कटिंग होते हैं। नहीं नहीं वाकई कटिंग बहुत अच्छे करते हैं भाई, वेल डन आज के लिए। फाइनली मैं आप घर आ गया हूँ, तो घर आके पता चला है कि बाबा के फ्रेंड्स आ रहे हैं, उसकी अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। जी तो गेस्ट आ रहे हैं, मेरी ड्यूटी लगी है कि फर्नीचर साफ करना है। तो देखते हैं सिर्फ फर्नीचर साफ करने के लिए किया हुआ है, क्या कर रहे हो आपसे। ओ हेलो, ये क्या कर रहे हो? खुद ही कहा फर्नीचर साफ करो, फर्नीचर साफ करने को कहा है लेकिन इसको गीला करो फिर साफ करो अच्छे से होगा। ये देखो मिट्टी लग रही है। हाँ तो डस्ट उतरी है ना, अच्छे से साफ करो। चलो शाबाश, मिट्टी लगाओ अभी से गीला करो। इसे धोना भी है मतलब कैसे गीला करना। हाँ जी गीला करो फिर साफ करो फिर अच्छे से साफ होगा। वो लोग की निस्बत से सही पर काम तो कर रहे हैं, वैसे तो इसने करना नहीं है। गजब बेइज्जती है, तारीफ कर रही थी तुम्हारी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो चलो छापा जल्दी से करो, इसके बाद और भी काम है। सत ने क्या किया, कर दिए साफ हो गए। yes! हाँ सही किया, अच्छा किया, नाइस गुड जॉब बेल्जन। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। चलो ड्रामे ना करो। yeah! जी तो बाबा के फ्रेंड आ चुके हैं और उन्होंने खाना भी शुरू कर दिया है। इधर बारबेक्यू बाबा बना रहे हैं और ये हैं उनके दोस्त। इधर देखिएगा जरा, सब हाथ ला दें थोड़ा सा। हेलो, ये शूट नहीं करवा लेते। कैसा बना हुआ है खाना? माशाल्लाह बहुत ज्यादा टेस्टी बनी है, बेशक मानते हैं ना बाबा को, अच्छे कुक है ना। हेलो, मैं कहता हूँ VIP, इनको एक रेस्टोरेंट खोल लेना चाहिए। इंशाल्लाह खोल लेंगे जल्दी, बस दुआ किया करें आप। उम्मीद है कि आप सबको मेरा आज का व्लॉग बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सब अपना बहुत 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 ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।